जैसे रियो मना का पूरे थे, उसके बाद की ये मेरी फेवरेट फिश है यस एंजल्स की, और ये हाई कवर कोई एंजल्स बोलते हैं। आप अच्छा पैटर्न देख सकते हो, उनका कलरेशन देख सकते हो, यस रेडिशनेस है एकदम। यस एंड ये कैटफिश वैरायटी है यस और ये मॉन्स्टर वैरायटी में आती है। यस मोस्ट ऑफ टाइम्स आपने टीवी पे देखा होगा रिवर मॉन्स्टर में ये फिश को, तो यस इसको गुंच कैटफिश करके इसका नाम है। अभी ये 1 फीट का है, हाँ उसका स्केल्स वगैरह देख सकते हो, काफ़ी यस सुंदर। और एशियन हरबनास का एक बहुत ही सुंदर वैरायटी है ये। हाँ ये बहुत सुंदर फिश है, ये सिक्लिड में एक वैरायटी है, इसको 2-3 नाम से जानते हैं लोग। एक डेविल कैटफिश करके बोलते हैं, अच्छा हाँ डेविल कैटफिश है। थोड़ा सा सुस्त रहता है वैरायटी, बट बेहद ही सुंदर है, लीफ की तरह दिखता है। हाँ ये स्मॉल साइज के फ्लोरांस है, 3 इंच के फ्लोरांस है। अब 3 इंच साइज में भी इसका आप हेड देखो, बहुत ही अच्छा। हाँ बहुत ही सुंदर हेड है एंड काफी एक्टिव पीस है। दोस्तों मैं आज हूँ एक्वा वर्ल्ड एक्वेरियम स्टोर में, जो डोंबिवली में लोकेटेड है, और आज मैं इनके पास आया हूँ न्यू एक्वेरियम फिश का स्टॉक है वो कवर करने के लिए। एक्वा वर्ल्ड एक्वेरियम स्टोर आपको हमेशा क्वालिटी एक्वेरियम फिश है वो प्रोवाइड करता है, वो भी काफ़ी रिजनेबल प्राइस में रहता है। आज मैं पूरा स्टॉक है वो कवर करने वाला हूँ एक्वा वर्ल्ड एक्वेरियम स्टोर का। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग मुलाकात करते हैं एक्वा वर्ल्ड स्टोर के ओनर से, जिनका नाम है विवेक कदम। तो दोस्तों हमारे सामने है विवेक सर, जो एक्वा वर्ल्ड एक्वेरियम स्टोर के ओनर है। हाय सर, आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक, आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। काफी महीनों के बाद है हमारा शूट हो रहा है। यस, काफी टाइम के बाद, काफी वेट कराया है मैंने। हाँ लेकिन होप सो अभी मेरे पास जो फिशेस है वो अभी व्यूअर्स को पसंद आए, एंड एक दो नया वैरायटीज है जो मेरे हिसाब से मैंने भी फर्स्ट टाइम एज एन हॉबीस्ट यदि मैं बोलूंगा तो देखने को मिलेगा। यस तो होप सो आज व्यूअर्स को काफ़ी अच्छा लगे मेरा स्टॉक देख के, एंड हम अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो आप बताइए कि कहाँ से शुरुआत करें? लास्ट टाइम हम हमेशा मनकापुर से स्टार्ट करते हैं, हाँ। तो इस बार मेरे पास एंजल्स की एक अलग वैरायटी, हम वहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। चलेगा, ओके लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सुंदर वैरायटी कवर कर रहा हूँ एंजल फिश की। एक्वा वर्ल्ड हमेशा आपको क्वालिटी फिश प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आपको बोला। तो सर यहाँ पे मैं एंजल फिश देख रहा हूँ, काफ़ी एडोरेबल इसका लुक है। तो सर ये क्या साइज है, कौन सी वैरायटी है और क्या प्राइस रहेगा इसका? जैसे रियो मना का पूरे थे, उसके बाद की ये मेरी फेवरेट फिश है यस एंजल्स की, और ये हाई कवर कोई एंजल्स बोलते हैं। अच्छा पैटर्न देख सकते हो, उनका कलरेशन देख सकते हो, रेडिशनेस है एकदम। यस एंड ये पूरा ब्रीडिंग स्टॉक है, अच्छा मतलब रेडी टू ब्रीड स्टॉक है ये। हाँ एंड फुल साइज में है अभी अपने पास अवेलेबल। यस क्या साइज रहेगा अभी इसका? बॉडी साइज यदि हम देखेंगे तो 3-3.5 इंच का बॉडी साइज है। yes. फिन टू फिन जाएंगे हम यदि तो 7 इंच के प्लस ही होगा ये। अच्छा हाँ, और काफी सुंदर वैरायटी है। यदि आप प्लांटेशन में इसको सेट करते हो हाँ. तो और कलरेशन एंड पैटर्न जो है वो काफी अच्छा दिखेगा आपको, और प्लांटेशन में एक बहुत खूबसूरत वैरायटी है एंजल्स का। क्या इसका प्राइस है? ये भी आपको 1000 रुपीज पर पीस है। 1000 का पर पीस? यस प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी रिजनेबल है, क्योंकि अगर कोई व्यूअर्स है, कोई हॉबीस्ट है, इसे पर्सनली देखेगा तो उसको पता चलेगा कि क्या ये चीज़ है। काफ़ी अच्छी वैरायटी है, काफ़ी हेल्दी स्टॉक है, अच्छे रेट में आप प्रोवाइड कर रहे हो, और ब्रीडिंग स्टॉक है, और कलर भी इसका काफ़ी वाइब्रेंट है। तो दोस्तों आप ज़रूर इसके लिए इंक्वायरी कर सकते हो, अगर आप नियर बाय हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि विजिट करो और इसको एक बार देखो, तब आपको पता चलेगा कि एंजल फिश की जो ब्यूटी है वो क्या है। अभी मैं कवर कर रहा हूँ, मेरे लिए तो नहीं है, क्या पता कि आपने कभी देखी रहेगी कि नहीं देखी रहेगी ऐसी फिश। तो सर ये फिश का नाम बताइए और क्या साइज है इसका? ये कैटफिश वैरायटी है यस और ये मॉन्स्टर वैरायटी में आती है। यस मोस्ट ऑफ टाइम्स आपने टीवी पे देखा होगा रिवर मॉन्स्टर में ये फिश को, यस तो इसको गुंच कैटफिश करके इसका नाम है। हाँ हाँ और काफ़ी बेहद बड़ी होती है ये फिश साइज में भी, और बहुत सुंदर है, मतलब नॉर्मल कैटफिश के
अकॉर्डिंग आप देखोगे तो एक मॉन्स्टर वैरायटी का एक नया फिश है ये गुंच कैटफिश, और अपने स्टोर में पहली बार ही आया है ये। अभी का साइज यदि आप देखोगे तो अराउंड 8 to 9 inch साइज है इसका। यस, और जैसे जैसे सेट होगी, क्योंकि ये वाइल्ड का फिश है जो बड़े साइज में होता है, तो फिश टैंक में सेट होने के लिए थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद अपना मूवमेंट दिखाएगा और आपको ये पसंद भी आएगा जब मूवमेंट करेगा। तो क्या इसका प्राइस है? ये भी आपको आएगा 2000 rupees पीस में। अच्छा, यस। और सर यहाँ पे ये अपना चना वैरायटी का फिश है। यस, चना स्टीवर्टी जिसे बोलते हैं। तो एक चना वैरायटी का ये बेहद सुंदर फिश है। यस, बॉडी में ब्लूइश हो जाता है, काफी स्पीडी रहता है, और टेल पे एक रेडिशनेस आती है उसके जो उसको बहुत खूबसूरत बनाती है। यस, और सेट फिश है। अभी अभी ब्लू पैटर्न थोड़ा दिखा रहा है। हाँ, जैसे आप ऊपर का डॉर्सल फिन देख सकते हो, उसके ऊपर भी आपको एज दिखाई देगा, एंड टेल के ऊपर भी रेडिशनेस स्टार्ट हुआ है। तो अभी स्मॉल साइज में अराउंड 6 inch का है ये। यस, और ये आपको आ जाएगा 800 rupees पर पीस में आएगा। ये हाईबैक आरवाना है। यस, ओके। एंड अभी ये 1 feet का है। हाँ, उसका स्केल्स वगैरह देख सकते हो। यस, सुंदर, और एशियन अरवानास का एक बहुत ही सुंदर वैरायटी है ये। हाँ, अभी अपने पास ये 1 feet में अवेलेबल है। यस, और ये आपको 18,000 में आएगा पर पीस। 18,000 में आएगा। यस, 18,000 का एक ही पीस है मेरे पास। हाँ, वो 18,000 का। तो सर जरूर आप इंक्वायरी कर सकते हो। विद सर्टिफिकेट है सर। विद सर्टिफिकेट है ना? यस, तो जरूर आप इंक्वायरी कर सकते हो। स्टॉक अवेलेबल है यहाँ पे एक पावर्ड में। आप देख सकते हो कितने खूबसूरत इसके स्केल है, पैटर्न है, काफी हेल्दी स्टॉक है। गोल्डन पर्ल अरवाना है ये। ये भी ऑलमोस्ट 12 inch प्लस है, मतलब 1 feet से ऊपर है। यस, ब्लैक में रखोगे तो ये इसका और बॉडी पैटर्न सुंदर दिखेगा। जैसे अभी भी आप विदाउट पोस्टर में मैंने रखा है उसको। हाँ, मतलब पीछे की तरफ कोई विनेल नहीं है, फिर भी उसका आप पैटर्न्स देख सकते हो, उसका जो स्केल्स है वो कितने उबर के आ रहे हैं। यस, और ये आपको अवेलेबल है 10,000 rupees पर पीस में। और ये सर? ये येलो फ्लैग टेल्स है। हाँ हाँ, येलो फ्लैग टेल्स आपको आ जाएंगे 3,500 पर पीस। और बाद में ऑस्कर? इसमें बड़े साइज के ऑस्कर्स है। यस, ये सब 7 to 8 inch ऑस्कर्स है। हाँ, कॉपर ऑस्कर आपको 1600 का पेयर आएगा 8 inch का। हाँ, एंड ये टाइगर ऑस्कर है वो 6 inch का है। हाँ, वो आपको 500 पर पीस में आ जाएगा। तो सब देख सकते हो, मॉन्स्टर टैंक है यहाँ पे। अलग अलग वेराइटीज के फिश है, जैसे जार्दिनी सर ने बताया, बाद में यहाँ पे फ्लैक्टेल है, ऑस्कर की वेराइटीज है। तो ज़रूर इसके लिए आप इंक्वायरी कर सकते हो। काफ़ी अच्छे साइज में है, बड़े साइज में है। यस, अमेरिकन फ्लैक्टेल्स ऑलमोस्ट आपके 6 to 7 inches है। यस, 6 to 7 inches। यस यस, और काफ़ी अच्छा पैटर्न, जो टेल का पैटर्न येलो जो होता है वो भी अभी क्लियरली आपको विजिबल हो रहा है। यस, नॉर्मली कैसे ब्लैक बैकग्राउंड रहता है तो ये पैटर्न देखने को मिलते हैं, बट अभी ये विदाउट बैकग्राउंड, मतलब विदाउट पोस्टर विनेल में ये आपको इतना सुंदर कलरेशन दे रहे, तो काफ़ी सेट फिश है। उसको ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी इसको सेट करने के लिए। यहाँ पे दो टाइप के फिशेस है। एक अपने पास ब्लैक जायंट गुना में आया था। यस, ये थ्रू कस्टमर आया था अपने पास बिग साइज का। और ये अभी सेलिंग प्राइस है इसका 1500। क्या साइज है? और ये 8 to 9 inches का है। अच्छा, देख सकते हो। अच्छा, काफी बड़ा साइज में, काफी बड़ा है। और मेल है, बिकॉज उसका हम देख सकते हो आप हेड के ऊपर का। तो मेल ब्लैक आइज में जायंट गुना में अवेलेबल है अपने पास। यस, और ये आपको आ जाएगा 1500 पीस में। हाँ, और दूसरा अपने पास ऑस्कर्स है, अल्बिन ऑस्कर्स, जिनको मोज़ेक ऑस्कर्स भी बोलते हैं। यस, ये आपके 7 to 8 inch के है। हाँ, और ये 2000 rupees पेयर है, मतलब 1000 rupees पर पीस में आएंगे। अभी दो ही पीस है, इसमें से करीबन 10 पीस मैंने लास्ट आंध्रा में डिलीवर किए हैं। अच्छा, सेम साइज है। तो अपने पास अभी ये 1000 rupees पर पीस के हिसाब से अवेलेबल है। और बाद में यहाँ पे सर ये हेवन बार्ब है। हाँ, हेवन कार्प, सॉरी बार्ब नहीं, ये कार्प वैरायटी है। यस, हेवन कार्प, और ये भी अच्छी साइज पकड़ती है, ऑलमोस्ट 10 inches के आसपास बिग साइज में होते हैं। यस, और टेल इसका रेड
मतलब पिंकिश जैसा टेल है, एक पिंक टेल कैलिकस करके फिश आता है, उसके नियर बाय दिखता है ये। यस। और ये आपको आ जाएगा 130 रुपीज पर पीस। अच्छा। यस, मतलब यदि पैर में लेना है तो 250 के अराउंड पैर आ जाएगा। और ये पिकॉक बस, इसमें 3 पिकॉक बस पीस अभी बचे हैं मेरे पास, वो ईच पीस 500 रुपीज पर पीस है। अच्छा। और ये भी ऑलमोस्ट 3-4 इंच साइज में है, 4 इंच ही है, और इसमें भी वैरायटी बताना मुश्किल है थोड़ा। वो क्या बड़ा वो बिग साइज में होगा, कलरेशन आएगा, पैटर्न जैसे दिखाएगा, फिर आप उसमें मोनोकुलास ढूंढ सकते हो, गोल्डन कैलिबेरी ढूंढ सकते हो। यस, बाद में आप सर डिस्कस। ये डिस्कस का एक पेयर अभी मेरे पास बचा है, 500 रुपीज पर पीस, मतलब 1000 का पेयर है। यहाँ पे सेवरम से सिक्लिड टैंक है ये। Yes. इसमें अभी आपको वीएचएस सिक्लिड्स मिलेंगे। और ये अपने रेड स्पॉटेड सेवरम्स है। वीएचएस जो है ऑलमोस्ट 5-6 इंचेस है, 5 इंचेस के वीएचएस है, और ये आपको आ जाएंगे 500 रुपीज पर पीस में। इसमें दोनों टाइप के वीएचएस है, मार्बल वीएचएस एंड कॉमन वीएचएस भी है। और ये आपको आ जाएंगे 500 रुपीज पर पीस। और सेवरम्स जो है वो 300 रुपीज पर पीस है। अच्छा। ये हाँ 3-4 इंचेस के सेवरम्स है, और ये आपको आ जाएंगे 300 रुपीज पर पीस। और यहाँ पे सर इस टैंक में 3 वराइटीज है। ये अपना अल्बिनो हैकेली है। ओके। और अल्बिनो हैकेली एक ही पीस है मेरे पास, 6 इंच का है ऑलमोस्ट। और ये आपको आ जाएगा 4500 रुपीज पीस। अच्छा। हाँ, आप देख सकते हो पूरा सुंदर फिश है वो। ये डॉलर का एक पैर है मेरे पास। यस। ऑलमोस्ट 4 इंचेस के है, 4-4.5 इंचेस है। यस। और ये आपको आ जाएंगे 500 रुपीज पैर। अच्छा। यस। और वो अबाबा, और यहाँ पे अबाबा नाइफ फिश है। यस। नाइफ फिश ये ऑलमोस्ट 9-10 इंचेस का है। हाँ। और इसका कॉस्टिंग है आपका 1800 पर पीस। यहाँ पे टाइगर ऑस्कर्स है। यस। और ये भी 4 इंच प्लस है। और ये 400 का पेयर है, मतलब 200 रुपीज पर पीस। अच्छा। काफी अच्छा साइज में आया है, और रेट के हिसाब से और साइज के हिसाब से थोड़ा कम में आया है। और ये सर पैरट, रेड पैरट सबको 400 रुपीज पर पीस में आएगा। अच्छा। यस। मेरे पास 4 ही पीस बचा है अभी। ये बहुत सुंदर फिश है, ये सिक्लिड में एक वैरायटी है, इसको 2-3 नाम से जानते हैं लोग, एक तो जेब्रा तिलापिया करके भी लोग बोलते हैं, एंड सिक्लिड्स में बटको फेरी। यस। हाँ, बटको फेरी के नाम से ये बेहद फेमस है, और बहुत ही जायंट होने वाला फिश है, काफ़ी अग्रेसिव फिश है। और ये आपको आ जाएगा 1000 रुपीज पर पीस, बट इसको रखना है तो आपके पास मॉन्स्टर फिश में ही आप डाल सकते हो, और मोस्ट ऑफ इसके बड़े साइज के जब फिशेस होंगे उसके साथ ये आराम से रह लेगा, और काफ़ी सुंदर वैरायटी है। आप उसके पैटर्न्स देख सकते हो, ज़ेब्रा पैटर्न, ये ब्लूइश पैटर्न में है, मतलब ब्लैक नहीं होता, ब्लू पैटर्न्स रहते हैं एक्चुअली। यस। बहुत सुंदर वैरायटी है। और ये सर फ्लोरा, ये फ्लोरन आपको आ जाएगा 1000 रुपीज पर पीस में। अच्छा। ये आपका 6-7 इंचेस का है। मंकेड फ्लोरन्स करके भी बोलते हैं इनको। अच्छा। हाँ, तो भी ये 6-7 इंचेस का है, और इसको 1000 रुपीज पर पीस में आएगा। यहाँ पे सिक्लिड टैंक है, ये भी सिक्लिड टैंक में, इसमें मिक्स सिक्लिड्स है, मलावी सिक्लिड्स है, फिर जैक डैम्सी का एक पेयर है इसमें, और बाकी आपको ग्रीन टेरर्स मिलेंगे। तो मलावी सिक्लिड्स है वो आपको 150 पेयर में आएंगे। जैक डैम्सी वो 400 का पेयर है। जैक डैम्सी एक कलर में ब्लूइश होता है, अभी आप पैटर्न भी देख सकते हो। एंड बाकी जो ग्रीन टेरर है। yes. वो आपको 250 रुपीज पेयर में आ जाएगा। और यहाँ पे सर ये ब्लैक गोस्ट है। ये भी नाइफ वैरायटी ही है फिश। yes. और ये आपको आ जाएगा 250 रुपीज पेयर में। यहाँ पे 2 टाइप के ऑस्कर्स है, एक रेड फायर ऑस्कर है, एंड जिसको अल्बिनो मैप ऑस्कर्स भी बोलते हैं, तो अल्बिनो मैप ऑस्कर्स हैं।
अल्बिनो में आप ऑस्कर्स आपको 400 रुपीस पेयर में आएंगे, मतलब 200 रुपीस पीस, एंड रेड फायर ऑस्कर जो है वो आपको 500 रुपीस पेयर है, 250 रुपीस अ पीस। काफ़ी अच्छा साइज है, 3.5 इंचेस के साइज में है अभी अल्बिनो, अल्बिनो मैप। एंड कॉपर ऑस्कर जो सॉरी अपना रेड फायर ऑस्कर जो है वो 3 इंच के साइज में है। यहाँ पे डॉलर कॉमन डॉलर फिशेस है, ओके, सिल्वर डॉलर जिसे बोलते हैं हम, और ये 2.5 इंचेस के है अभी। हाँ, और ये आपको आ जाएंगे 100 रुपीस पेयर में। और इसमें और एक वैरायटी है कैटफिश का, जो सैंड पे आप सैंड के अंदर घुसी रहेगी, एक कॉर्नर में है। यस, हाँ यस, इसको डेविल कैटफिश करके बोलते हैं। अच्छा, हाँ डेविल कैटफिश है, थोड़ा सा सुस्त रहता है वैरायटी, बट बेहद ही सुंदर है, लीफ की तरह दिखता है। हाँ, और कैटफिश का ही एक नया वैरायटी है, काफ़ी रेयर है ये भी, मोस्ट ऑफ टाइम सबको रेयरली ही मिलेगा ये। सैंड के अंदर छुप के रहना इनको बहुत पसंद है। यस, क्या इसका प्राइस है? ये आपको आ जाएंगे 200 रुपीस पेयर में, मतलब 100 रुपीस पर पीस आएगा आपको। और ये बाप? ये वेलटेल ग्रीन बैंडेड बार्ब्स है, तो एग्जॉटिक वैरायटी है। यस, हाँ ये आपको 300 रुपीस पेयर है, 150 का पर पीस है, बेहद ही सुंदर वैरायटी है वो भी। ये स्मॉल साइज के फ्लोरेंस है, 3 इंच के फ्लोरेंस है। अब 3 इंच साइज में भी इसका आप हेड देखो, बहुत ही, हाँ बहुत ही सुंदर हेड है एंड काफ़ी एक्टिव पीस है। यस, तो ये आपको आ जाएंगे 500 रुपीस पर पीस में आएंगे। हाँ हाँ, कलरेशन भी अच्छा है एंड सब SRDs है, सुपर रेड ड्रैगन्स ही है, बेहद ही सुंदर है। ऐसे 2-3 पीस है अभी अपने पास अवेलेबल। अच्छा अच्छा, ये भी सेम SRDs है? यस सेम, ये कन्फा का एक ये है, KML जिसे बोलते हैं। हाँ हाँ, तो उस वैरायटी में है ये। इसका क्या प्राइस है? सेम है, 500 रुपीस पर पीस। और ये कौन सी है? ये वेजा है। हाँ हाँ, ये कॉमन वेजा बोलते हैं, उनके स्मॉल साइज में वेजा का पेयर है। यस, ये आपको आ जाएगा 200 रुपीस पेयर, मतलब 100 रुपीस पर पीस में आ जाएगा। ये जो हमने पहले कवर की है सेम उन्हीं की तरह होंगे, रेडिश हो जाते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे। ये ऑस्कर्स के बच्चे हैं स्मॉल साइज़ में, काफ़ी लोग बोलते हैं कि बड़े साइज़ का ऑस्कर्स जो अफोर्ड नहीं कर पाते, मतलब जैसे छोटे बच्चे रहते हैं ऐसे, मैं ऑफिस था तो मुझे 400 रुपीज़ का लेके जाना, मतलब थोड़ा सा घर पे इश्यूज रहते थे, तो इनके लिए छोटे बच्चे अवेलेबल किए हमने। और ये आपको 40 रुपीज़ पेयर में आ रहे हैं, अच्छा मतलब 20 रुपीज पर पीस है। और डजन में ले रहे हो तो आप 180 का डजन भी मिल रहा है आपको। अच्छा, तो ये बेसिकली जो नए हॉबीस्ट है जिनको ऑस्कर्स पालना है एंड यू नो स्मॉल किड्स, मतलब जो छोटे बच्चे 10th स्टैंडर्ड या वहाँ से जो स्टार्ट करते हॉबीज, तो उनके लिए स्पेशली ये मैंने ऑर्डर किया था। एंड ये अभी है, ये अल्बिनो मैप के बच्चे है, काफी अच्छे एक्टिव भी है, सब सेट फिश है, मोरालिटी नहीं है उनमें। ये फिशर रूड कैटफिश है, कैटफिश का ही वैरायटी है, फिशर रूड कैटफिश जिसे बोलते हैं। और ये आपको आ जाएगा 150 का पैर, ये 150 रुपीस पैर है। और ये भी साइज़ में 2.5 से 3 इंच के साइज़ में अभी अवेलेबल अपने पास। बहुत सुंदर वुड की तरह पैटर्न रहता है, इसके लिए उनको फिशर रूड कैटफिश बोलते हैं। और ये भी एक मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली कैटफिश है, ये डॉर्फ में ही आप पकड़ सकते हो। जिनको कैटफिश पालना पसंद आता है, रेस्ट नहीं करती, मोस्ट ऑफ कैटफिश आपको रेस्ट की बॉटम में रेस्ट करती हुए देखेंगी। बराबर, बट ये कंटिन्यूसली स्विमर्स है, कंटिन्यू स्विम करने वाले फिश है, इसके लिए आपका टैंक हमेशा मतलब एक्टिव देखेगा। यस, ये ब्लैक मोर गोल्ड फिश है। हाँ, कॉमन ब्लैक मोर ही है लेकिन बिग साइज में है। यस, तो ये आपको आ रहे 200 रुपीस पेयर में, 100 रुपीस पर पीस में, काफ़ी अच्छे साइज में है एंड हेल्दी भी है। क्या साइज है आप इसका? ये ऑलमोस्ट यदि बॉडी साइज पकड़ोगे तो 3 इंच का बॉडी साइज है। अच्छा अच्छा, मीडियम साइज है आप बोल सकते हो इनको। यहाँ पे कॉमन टाइगर बार्ब्स है एंड फ्लोरोसेंट टाइगर बार्ब्स है। तो कॉमन टाइगर बार्ब्स जो है वो आपका 40 रुपीज का पेयर है। एक्चुअली साइज के हिसाब से देखोगे काफी अच्छा साइज में है, बड़ी साइज में ही है। एंड ये आपको आएगा 40 रुपीज पेयर, डजन में लोगे तो और थोड़ा कम हो जाएगा, तो 180 रुपीज का डजन पड़ेगा।
इसमें टेट्रास एंड टेंजालिन है। यस ओके टेंजालिन जो ब्लड रेड टेंजालिन बोलते हैं मतलब इसका आग भी रेड है और पूरा बॉडी भी काफ़ी रेडिश रहता है। यस तो ये आपको आ रहा है 120 का पैर। अच्छा 120 का काफ़ी मतलब साइज भी काफ़ी अच्छा है। काफ़ी साइज भी अच्छा है एंड ये 120 रुपीस पैर में आपको आएगा। हाँ ग्लो लाइट टेट्रास एंड कॉपर टेट्रास अवेलेबल है अपने पास। हाँ और दोनों का प्राइसिंग सेम है। एसन पैर लोगे तो 60 रुपीस पैर में है। डजन का आपको 300 रुपीस डजन पड़ेगा। तो विवेक सर काफ़ी अच्छा लगा मुझे आके यहाँ पे वो पूरा वीडियो शूट है वो करके। काफ़ी अच्छा स्टॉक है फिर से मैं बोल सकता हूँ आपके पास और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में है। यस और अलग अलग वेराइटीज़ की फ़िश आपने एक्वेरियम आपके शॉप में रखी है तो बहुत सारे जो हॉबीस्ट है आपके एक्वेरियम फ़िश के स्टॉक को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। तो विवेक सर आप क्या बोलना चाहते हो वीडियो के एंड में? नहीं ये कैसा अपना मैं आपको पहले थैंक्स बोलना चाहता हूँ प्रथम ऐसा ये सब आपकी वजह से है बिकॉज यदि मैं देखूंगा तो ये शॉप मेरा है डोंबिवली में एंड राइट नाउ हम पूरा इंडिया कवर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड उसके लिए दिल से थैंक यू है आपको। अरे एंड सेकेंडली मेरे शॉप का या मेरा मोटो ये रहता है कि यू नो हॉबीज को प्रमोट करना है एंड हमेशा गुड क्वालिटी फिशेस दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम डील्स करते हैं। यदि फिश बीमार है तो हम मना करते हैं एंड ये सब पॉसिबल हो हुआ है वो भी आपकी वजह से ही बिकॉज इतने सारे कस्टमर्स जो बाहर से है वो आपका चैनल देख के है। हॉबीज लोगों के लिए भी वैरायटीज मतलब ऐसे घर पे बैठे देखने में जो मज़ा आ रहा है वो एक्चुअल में पहले नहीं था। हाँ तो ये काफ़ी अच्छा रिवॉल्यूशन आपके तरफ से आया एंड होप सो कि आज जो मैंने स्टॉक कवर किया है Yes. वो भी पसंद आए कस्टमर्स को डेफिनेटली सेम ऐसे ही हमारा बिजनेस भी प्रमोट होता रहे एंड अपना ये एक्वेरियम हॉबी भी ऐसे ही प्रमोट होता रहे बस यही इच्छा है हमारी। यस श्योर सर। तो विवेक सर अगेन थैंक यू कि आपने आपका कीमती वक्त है वो हमारे वीडियो के लिए दिया और पूरा स्टॉक है दिखाने के लिए आपने काफ़ी अच्छी तरीके से हेल्प की। थैंक यू वेरी मच। ओके सर थैंक यू।